सीएनजी पे चलने वाला ट्रैक्टर आपने अभी तक कहीं पे नहीं देखा होगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं भाई। और ये क्या सिस्टम लगा यहाँ पे? ये बिजली बनाने के लिए जेनसेट है। अच्छा, मतलब ये डायरेक्टली बायोगैस से चल जाता है, इसको सीएनजी की आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल अगर करेंगे हम तो 15,000 से 20,000 रुपए रोज डेली की एसी है। नाली से सीधा गोबर जो है इसमें आता है, आप जमा करके उठा के नहीं लाते? नहीं, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। किसान भाइयों, आज हम ऐसे फार्मर से मिलने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि आज हम मिलने वाले वाकई में गैस मैन से, जिन्होंने जो है जुगाड़ एकदम खतरनाक जुगाड़ किए हैं। इन्होंने गैस बना के जो है ये ट्रैक्टर चला रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सीएनजी बना के, इसके साथ साथ ये बाइक देखिए यहाँ पे, ये बाइक भी गैस के ऊपर चलती है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बड़ा सा घर है इनका, इनके घर में जो है ये बिजली भी तैयार करते हैं इसी गैस से। काफी खतरनाक और जबरदस्त। आज हमें एमपी में शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में हम पटलावदा गांव में हैं, और हमारे साथ यहां पे देवेंद्र परमार जी है। नमस्कार सर। नमस्ते देवेंद्र। दोस्तों, मैं एक अहम बात बताना चाहूंगा कि ये जो फार्मर है इनको जो है 100 से ज्यादा पशु है यहाँ पे, गाय है, भैंस है, उनसे गोबर निकलता है और उससे जो है ये गैस बनाया। तो ये आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि ये कर सकते हैं? ये हम पहले तो बिजली बना रहे थे, हम डीजल वाला जो जेनसेट है उससे, फिर हमने जो ये बलून मंगाए गुजरात से, उनसे हमारी बात हुई, तो पहले तो कोई तैयार नहीं था हमें सीएनजी बनाने के लिए, कि 1.5 करोड़ से कम का खर्च नहीं आता है। अरे बाप रे, 1.5 करोड़! हाँ, फिर हमने बिहार वाले इंजीनियर को बुलाया, उन्होंने एक बार का प्लांट सेट करके चले गए। अच्छा, मतलब आपका पर्पस था कि बिजली बनाना? हाँ, बिजली तो बना ही रहे थे हम। बिजली, अच्छा, बिजली तो बना ही रहे थे। बिजली तो आसानी से बन जाती है। हाँ। पर हमारा पर्पस था डीजल और पेट्रोल का खर्च खत्म करना, कैसे भी हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल नहीं आता है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को ढेर सारा आप शेयर करते रहिएगा। अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि हम देखते हैं बाद में कि बिजली कैसे आगे बन रही है और सीएनजी कैसे बन रहा है, लेकिन प्लांट की शुरुआत से आप हमें जानकारी दीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या पशु है, कैसे है। सबसे पहले प्लांट में तो क्या है कि बहुत सारे नेपियर घास से चला रहे, पर इसमें मेन गोबर रहता है। गोबर अगर आपके पास है तो सबसे बेटर है। तो यहीं से हमारा प्लांट स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे कितने पशु है टोटल? 100 पशु है हमारे पास, 100 पशु है छोटे बड़े सब करके। अच्छा, और टोटल यहाँ पे आपका दूध कैसे निकलता है, कितना निकलता है? दूध 400-500 लीटर डेली का है। हम मशीन से भी निकालते हैं, ये मशीन पूरा। अच्छा, यहाँ पे ये मशीन है, अल्फाटेक का मशीन है पूरा हमारे पास। ये 90x70 का है। 90x70 का है? 90x70। 90x70 में 100 पशु है। तो मैंने देखा कि आपने यहाँ पे ये भी जुगाड़ लगाया, ये जुगाड़ किस लिए बनाया है? ड्रम काट के ये हमने 1 HP का 3 फेस में मोटर है, ये फैन मैंने खुद बनाया हुआ है। आपने खुद बनाया? हाँ, ये खुद बनाया, ये हीट नहीं होता है, 24 घंटे चलने के बाद भी बिल्कुल हीट नहीं होता। हवा मार रहा है जी। मतलब आपने बैरल को कट के लिए अंदर मोटर लगा दिया कट करके, बहुत बढ़िया। और ये क्या सिस्टम है यहाँ पे, ये बताइए? ये कंप्रेसर है अपना, जो पशुओं को नहलाने का काम करते हैं, पूरा सेट डेली हम साफ करते हैं। अच्छा, मतलब पूरा साफ सुथरा है इधर, मैट दूसरा आपने हमारा है। गोबर का ऑटोमेटिक है, तो एक बार पानी देना रहता है, तो प्रेशर से अगर एक बार मार देते तो गोबर ऑटोमेटिक प्लांट में चला जाता है। मतलब आपका ये गोबर जो है यहाँ पे उठाने की जरूरत नहीं है? हाँ जी। आप जो बायोगैस बना रहे हैं उसके लिए यहाँ से लिक्विड गोबर आगे भगाते हैं आप पानी डाल के? जी। तो यहाँ से गोबर डेली आप खींच के इधर डालते हैं? हाँ, बस एक बार इसमें करना रहता है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। अच्छा ये बताइए, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि यहाँ पे आप गैस बना रहे, तो यहाँ से सिस्टम हमें थोड़ा थोड़ा आप ही समझाइए आगे हो, क्योंकि यहाँ से गोबर जो है कैसे आगे जाता है? ये इसमें बस एक बार प्रेशर हम पानी का देते हैं। राइट। इधर अपना टैंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारा। अच्छा, मतलब ये टैंक है? हाँ, ये टैंक है, इसमें ये पंप लगा रखा अपन ने घोलने वाला। अच्छा, ये पंप क्या कर रहा है, इसमें घोल रहा है? हाँ, इसको जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना गोबर। अच्छा, ये घोलेगा पहले, बंद कर दीजिए। तो ये घोलने का काम करता है। नाली से सीधा गोबर जो है इसमें आता है, आप जमा करके उठा के नहीं लाते? नहीं, हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, गोबर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें घोल दिया। घोलने के बाद क्या होगा? ये पंप चला करके हम ऊपर। अच्छा, ऊपर डाल रहे हैं आप? ऊपर चला जाता है। ओह, मतलब ये इसमें जा रहा है ऊपर? जी वही। इसके बाद इंटरेस्टिंग ये है कि हम जो सैलरी निकलती है उसको भी हाथ नहीं लगाते।
अच्छा, वो भी पंप से खेत में जाती है। जो ये डाइजेस्टर में क्या होता क्या है इसमें? इसमें बैक्टीरिया रहते हैं, वो 45 दिन में गोबर को खा करके और मीथेन गैस तैयार करते हैं। अच्छा, ये गोल गोल घूमता रहता है। अपन आज गोबर डालेंगे वो 40 से 45 दिन बाद बाहर निकलता है। अच्छा, उसकी एक प्रोसेस रहती है पूरी। ओके, वो पकने के बाद ही बाहर निकलता है। ये क्या साइज का है जो आपने बनाया? ये 200 घन मीटर का है हमारा। और ये भी आपने खुद बनाया? हाँ, ये खुद बनाया। तो ये डाइजेस्टर जो है हल्का हल्का घूमता रहता है ना ये? हाँ, ये फ्लोटिंग सिस्टम है, ऊपर नीचे भी होता है। ये 5 फीट पूरा नीचे जाता है, जैसे ही गैस कम होती है, और जैसे ही गैस बढ़ता है 5 फीट ऊपर हो जाता है। अच्छा, गैस बढ़ता है तो ऊपर जाता है। यहाँ से गैस कहाँ जाती है वहाँ में लेके चलिए? आपकी क्या पढ़ाई हुई है? मैं 8th तक पढ़ा हुआ हूँ। 8th तक पढ़े? बस बहुत बढ़िया। ये क्या सिस्टम है? ये अपनी गैस उधर से इस फिल्टर में आती है, ये वाले फिल्टर में। इसमें फिल्टर होकर के गैस, फर्स्ट फिल्टर है ये। हाँ, इसके बाद अपने टावर में जाती है जहाँ पे हम शुरुआत में खेले। और ये क्या सिस्टम लगा यहाँ पे? ये बिजली बनाने के लिए जेनसेट है। अच्छा, मतलब ये डायरेक्टली बायोगैस से चल जाता है, इसको सीएनजी की आवश्यकता नहीं रहती है। डाइजेस्टर से जो बायोगैस आ रहा है, ये जनरेटर चालू होगा और ये जनरेटर चालू होकर इससे भी बिजली बनती है। और इसकी बिजली कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आप? ये अपने डेयरी फार्म पे ही करते हैं। ये पूरे डेयरी फार्म पे इस्तेमाल करते हैं? गजब का। दोस्तों देखिए, ये पूरा का पूरा डेयरी फार्म, आशुतोष भाई पीछे दिखा देना, तो क्या कमाल का है। देखिए यहाँ पे, ये डेयरी फार्म पे इन्हीं का गोबर से बायोगैस बन रहा है, वही बायोगैस से इंजन चल रहा है, इंजन की लाइट जो है यहीं पे इस्तेमाल हो रही है। इतने सारे पंखे वंखे सारे लगे हुए, सिस्टमेटिक है काफी। तो यहाँ से आपने आगे पाइप लेके बाहर गए, वो सीएनजी कन्वर्ट हो रहा है। चलिए वहाँ पे चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दोस्तों हमारे देश में जो है इतना एक तरह से आत्मनिर्भर, हाँ आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान। हाँ। यहाँ पे मुझे वाकई में अच्छा लगा। एक शेयर तो बनता है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। अब हम आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। ये नीला वाला पाइप आया ना? हाँ, ये नीला वाला पाइप। अच्छा, ये नीला वाला पाइप आया है, वो कहाँ पे गया वो हमें आगे दिखाइए। यहाँ पे लास्ट में इस टावर में आता है अपना गैस। अच्छा, वहाँ से गैस इस टावर में आ रहा है जी। इसके बाद टावर से कहाँ जा रहा है? इसके बाद अंदर फिल्टर लगे उसमें जाती है। अच्छा, उसके बाद बलून में गैस आती है। बलून में गैस जा रही है, फिर बलून से वापस अंदर जाके कंप्रेसर से टैंक में कंप्रेस होती है। टैंक में आप भरते हैं पूरा? तो चलिए वहाँ पे हम देखते हैं कि गैस कैसे भर रही है वहाँ पे। दोस्तों अभी हम ट्रैक्टर चालू करके भी दिखाने वाले हैं आपको और बाइक चालू करके भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए गैस एक किसान कैसे बना रहे हैं। ये कंप्रेसर से टैंक में। अच्छा, मतलब बाहर से आ रहा है यहाँ पे इसमें जी, ये फाइनल गैस आ रही है? हाँ, फाइनल गैस इसमें। ये टैंक में आप भर रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए दोस्तों गोबर से किस तरीके से बन के फाइनल टैंक में आ रहा है। और ये टैंक आप ट्रैक्टर पे लगाते हैं? नहीं, ये पाइप लगा हुआ है, इनको निकालना नहीं पड़ता है। अच्छा, ये निकालना नहीं पड़ता है, उसमें ट्रैक्टर में चला जाता है। अच्छा, ये वाला पाइप गया? हाँ, पाइप से गैस। आइए चलिए ट्रैक्टर में दिखाइए। अच्छा, ये आप मुझे बताइए कि ये ट्रैक्टर में आप गैस कहाँ से फिल करते हैं? ये इसमें से उधर वाल लगा हुआ है साइड में, वहाँ से फिल करते हैं। फिल हो जाती है, यहाँ से भी हो सकती है, ये भी फिलिंग वाली है। इसमें गैस कितना आता है वो बताइए पहले। ये एक टैंक में 18 किलो गैस आता है, पर हम 9 किलो गैस ही भरते हैं इसमें, क्योंकि इसका प्रेशर 200 बार प्रेशर में फटने का डर रहता है। अच्छा, इसलिए हम 9 किलो से ऊपर नहीं जाते। और ये ट्रैक्टर में हम 9 किलो अगर दोनों में भर देते हैं तो ये कितना घंटा ट्रैक्टर चलता है? 10 घंटे आराम से चल जाता है, कोई भी काम पीछे कर सकते हैं। लेकिन आपने पीछे कोई विशिष्ट प्रकार की चीजें लगाई, वो मैं आपको पूछने वाला, लेकिन पहले आप स्टार्ट करके हमें दिखाइए। और दोस्तों देखिए अभी कैसे स्टार्ट होता है। सीएनजी पे चलने वाला ट्रैक्टर आपने अभी तक कहीं पे नहीं देखा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं भाई, तो शेयर करना तो मानता है। वाह, मजा आ गया देखिए, ये चल रहा है, ये भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पे ये बिजली बनाता है तो। अच्छा, ये बताइए कि ट्रैक्टर तो सीएनजी से चल रहा है जी, लेकिन बिजली बनाने के लिए आपने ये सिस्टम का इस्तेमाल किया? ये पीटीओ साहब तो से चला रहे हैं। हाँ। ये क्या लोड नहीं पड़ता है इससे ज्यादा? हाँ, इंजन पे लोड नहीं पड़ता है, रेगुलर के लिए नहीं है, जब अपने को ज्यादा आवश्यकता रहती है तब इसको चलाते हैं, बाकी तो अपने पास जेनसेट है ही सही। मतलब जनरेटर से भी लाइट चलाते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम आ गया तो इससे भी चला सकते हैं, इससे भी लाइट तैयार कर सकते हैं। मतलब आपने सारा सिस्टम एकदम जुगाड़ सिस्टम सब सेट करके रखा है, उससे बड़ा है ये। अच्छा, जेनसेट से ज्यादा बिजली बनाता है ये। कितना बिजली बनाता है ये? 25 किलो वाट तैयार करता है। तैयार करता है, और वो सीएनजी आपका फ्री में बन रहा है, उसी के ऊपर ये बना रहा है जी। जी, बहुत बढ़िया। आइए बाइक भी हमें दिखा दीजिए। और ये बाइक भी आपने खुद के घर पे? हाँ, जो बनाया गया है उससे चला रहे हैं ये? हमने खुद बनाया है ये, इसमें किसी इंजीनियर या किसी मैकेनिक की मदद नहीं। अच्छा, वो बाइक भी वहाँ पे भी है दोस्तों? हाँ, दोनों बाइक है, वो BS4 है, ये BS6 है। BS4 भी चल गई, 6 भी चल गई जी। शुरुआत में आपको कोई दिक्कत आया था?
अरे बहुत, उसमें पहले हमने उसमें इस्तेमाल किया तो मेरे को 4 से 5 रोज लगे उसको चालू करने और इसमें हो गया तुरंत? हाँ, इसमें 1-2 रोज इसमें भी लगा मेरे। थोड़ा ये भी चला के दिखाइए क्योंकि वाकई में गजब की सिस्टम है दोस्तों। यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक से बढ़ के एक चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये गैस पे स्टार्ट हो रहा है, ये सही है। ये देखिए दोस्तों, कमाल का चीज़ दोस्तों, वाकई में इसको हम गैस मैन इनको जो है बोल सकते हैं, क्योंकि गैस के ऊपर, यहाँ पे पीछे घर है, कुकिंग भी होता है इनके घर में, वही गैस के ऊपर लाइट भी बनती है, वही गैस के ऊपर इनकी गाड़ी भी चल रही है, वही गैस के ऊपर ये अल्टो गाड़ी भी चलती है। देखिए यहाँ पे सारा का सारा भाई बवाल सिस्टम है यहाँ पे, कमाल की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों जिस तरीके से देवेंद्र परमार जी ने गांव देहात में रहते हुए एक बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम सेट किया है, काबिले तारीफ है, और वो केवल इंटरनेट के वजह से। आप भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि बस एक फ़ोटो खींचो तुरंत रोग का पता चल जाता है, जैसे कि आप जानते हैं प्लांटिक्स ऐप। इंटरनेट की वजह से ही गांव देहात में बहुत ज़्यादा किसान भाई हमारे प्लांटिक्स ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों प्लांटिक्स ऐप में जो है ऐसे ऐसी चीज़ें जो आपको खेती में बहुत हेल्प करती है, जैसे कि इसमें रोग की पहचान करने के लिए एक फ़ीचर है, इसमें समुदाय है किसान भाइयों का, दुकान है, कृषि सुझाव है, ऐसे अलग अलग फ़ीचर है जो आपको खेती में बहुत ही बढ़िया हेल्प कर सकता है, आपको नॉलेज बढ़ाता है, आपको निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ओवरऑल जो है छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, डाउनलोड कीजिएगा, अलग अलग लैंग्वेजेस है और मुफ्त में है, तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगा। एक महत्वपूर्ण देवेंद्र जी मेरा सवाल है कि आप यहाँ पे सीएनजी डेली का कितना बना रहे हैं? डेली का 60 से 70 किलो है हमारे पास अभी फिलहाल, हम जो यूज करते हैं जितनी हमें आवश्यकता इतने गैस बनाते हैं, बाकी तो हमारी पूरा वेस्ट जा रहा है गैस। तो अच्छा ये बताइए मुझे, क्या आप ये कमर्शियल अभी गैस बेच नहीं रहे? नहीं अभी नहीं है, उसके लिए परमिशन वगैरह की आवश्यकता लगती है, उस हमारी प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस में है आप जी? तो आपको ये बनाने में कितने साल गए और कितना खर्चा हुआ अभी तक, कितनी मेहनत लगी वो थोड़ा बताइए। हमें बायोगैस और बायो सीएनजी के लिए 50 लाख खर्च हो गया हमारा। अरे बाप रे जी, अभी बाकी बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं, 1 साल लगा हमें बनाने में। और जो गैस से लिक्विड निकल रहा है वो आप खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, वो पूरा खेत में भी हो रहा है और उसको बेचते भी हैं हम, 10 रुपये किलो बिक जाता है पूरा वो। अच्छा ओवरऑल मुझे ये बताइए, आपने इतना लंबा खर्चा किया है, सब कुछ किया है, तो इससे अभी आपको बेनिफिट कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है? एक तो डीजल पेट्रोल बच रहा हमारा, वो 10 रुपये केजी जो जैविक खाद है वो हमारा बिक जाता है पूरा। राइट, वो बिक जाता है। तो बड़ा मुनाफा भी नहीं आता है? बड़ा की जरा, यही बड़ा है ना ये। अच्छा, यही बड़ा आपके लिए मुनाफा सोच रहे हैं आप? 4 से 5 हजार रुपए रोज डेली का कम से कम हमें इसमें ही बच जाता है। तो आने वाले समय में आप कमर्शियल करने वाले हैं? जी, कमर्शियल अगर करेंगे हम तो 15 से 20 हजार रुपए रोज डेली की गैस ही है हमारे पास। इतनी गैस आपके पास 15 हजार रुपए डेली की? जी, उतनी गैस आप बेच सकते हैं। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आपके थ्रू बता सकते हैं? हाँ जी। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में सर जी का नंबर डाल देता हूँ, आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो उनसे आप बेशक ले सकते हैं। तो सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे सिस्टम है, ये गाड़ी हो या ट्रैक्टर हो या गैस किस तरीके बन रही है, आपको कैसे लगा ये दिल से मुझे बताइएगा। और कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करना फ्री है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और भर दीजिए पूरा कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को सारा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।